तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो कोई भी एलपीओ टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को स्किप एकदम ना करें, ठीक है। बहुत ही जेन्युइन जानकारी होगा और बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसा बताऊंगा जो आज पता चलने वाला है, ठीक है। तो देखो, हम लोगों को जैसा कि आप लोगों को पता है कि एलपी की जो कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों ने टेस्ट लॉन्च कर रखा है, ठीक है। टेस्ट लॉन्च कर रखा है V49 में हम लोगों ने टेस्ट लॉन्च कर रखा है, जिसमें क्या है आपके 30 PYQ है। 30 शिफ्ट में जो भी एलपी के 2018 में पूछेगा क्वेश्चन वो PYQ आपके मिलेंगे, ठीक है। उसके साथ ही आपको क्या बोलते हैं सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, मैथ रीजनिंग जीएस के, वो भी आपको डाले गए हैं, ठीक है। उसके साथ आपको क्या बोला था हम लोग, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर है 6 to 10 ऑफिशियल एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर, उसका PDF प्रोवाइड करेंगे, साथ ही उसका सॉल्यूशन हम लोग देने वाले। ये सब चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है टेस्ट। अब बहुत सारे लोगों का डाउट था कि सर मैंने ये टेस्ट खरीदा, इसमें सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है सर, बहुत सारी चीज़ें। तो देखो, ये टेस्ट अभी तक का किसी भी प्लेटफॉर्म पे इतना सस्ता प्लेटफॉर्म, यही टेस्ट अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाओ तो आपको 299 खरीदने को मिलेगा, यही PYQ सेम जो पूछा गया। अब इसमें हम लोगों ने इतना सस्ता किया है और इसका फ़ायदा क्या है, देखो ये बाकी सब टेस्ट से अलग क्यों है। तो इसका जो सॉल्यूशन है ना, इसका जो हम लोगों ने डिटेल, देखो टेस्ट क्या है ना, PYQ अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे दे रहा हूँ तो कोई भी और भी दे रहा है तो सब क्वेश्चन तो आपका वही TCS का है, तो डिफरेंस क्या है, क्यों मैं आपका टेस्ट खरीदूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे बड़ी बात है टेस्ट का एनालिसिस। अगर टेस्ट बच्चे जब टेस्ट देते तो उसका एनालिसिस देखते हैं, और बहुत सारे लोग एनालिसिस टेस्ट को लिखने का कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक ऐसा पहला कॉन्सेप्ट यूज किया है कि जो आपका एनालिसिस होगा वो हैंड रिटन एनालिसिस दिया, और इतना डिटेल एनालिसिस दिया हो ना, अब बाकी टेस्ट के कंपेयर कर लेना उससे बहुत ही बेहतर तरीके से है, बहुत अच्छे ढंग से इमेज के फॉर्म में आपके दिया गया, बहुत ही अच्छे ढंग से रिसर्च करके दिया गया है। तो धीरे धीरे ये टेस्ट का जो सॉल्यूशन है, सभी टेस्ट जो सॉल्यूशन है ऐड होगा। तो अभी जो नए लोग परचेज किए हो तो अभी आपको टेस्ट का सॉल्यूशन सभी में नहीं दिखेगा, तो धीरे धीरे इसके ऊपर काम चल रहा है। लगभग 10 से 12 दिन में सभी जितने भी टेस्ट हैं उसमें सॉल्यूशन लग जाने वाला, क्योंकि देखो सॉल्यूशन एक दिन का काम नहीं है। हम लोगों ने टेस्ट को जल्दी में लॉन्च कर लिया ताकि बाकी सब जितने भी नॉर्मल स्टूडेंट हैं वो महंगे टेस्ट को ना परचेज कर पाए, ठीक है। इसीलिए, क्योंकि अभी आप तो एक बार में टेस्ट देने वाले हो नहीं, तो इसीलिए जिन्होंने टेस्ट परचेज किया वो पेशेंस बनाए रखें, ठीक है। टेस्ट का सॉल्यूशन डिटेल ढंग में डाला जा रहा है, ठीक है। और जो अभी तक सोच रहे कि क्यों खरीदे, देखना चाहते हैं डेमो, तो उसके लिए मैं बता देता हूं कि आप जाकर के देखना टेस्ट के फ्री मटेरियल सेक्शन में जाना, 3 डॉट है, फ्री मटेरियल सेक्शन है, वहां पे जाकर के डेमो टेस्ट होगा, वहाँ पे आप लोग जा करके देख रहे हैं कैसा सॉल्यूशन दिया गया। इतना अच्छा सॉल्यूशन आपको अभी तक कहीं नहीं मिलेगा, इतना सस्ता में प्रोवाइड करवा दिया गया। बहुत इसके पीछे मतलब समझ सकते हो, इतना ऐप का खर्चा आ रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग सॉल्यूशन डाल रहे हैं उनको भी हम लोगों की तरफ से एफर्ट किया जा रहा है ताकि उन लोग को भी दिया जाए, उनका भी सारा कॉस्ट है। तो बहुत सारी चीज़ें करके हम लोग 49 में दिया, और ये हम लोगों ने डिसाइड किया है ये जो आपका रहेगा टेस्ट का ऑफर मात्र कल शाम तक रहने वाला, ठीक है। उसके बाद इसके प्राइस बढ़ जाएंगे, क्योंकि इतना सस्ता आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। को मेरे तरफ से किसी को जबरदस्ती नहीं खरीदो चाहने का, लेकिन आप एक बार डेमो टेस्ट जा करके देख लेना, उसके बाद आप डिसाइड करना। और अभी तक बहुत सारे लोग, लगभग 300 लोगों ने टेस्ट को परचेज कर रखा है, ये बहुत ही अच्छी बात है, लोगों को विश्वास है, ठीक है। और टेस्ट का सॉल्यूशन जल्दी जल्दी अभी ऐड पे काम चल रहा था, इसलिए आपको हड़बड़ाना नहीं। तो अब मैं एक बार आप इसका डेमो दिखा दूँ, क्यों टेस्ट हमारा टेस्ट बाकियों के कंपेयर में बेटर है, प्राइस में भी बेटर है, सॉल्यूशन भी आपको बहुत तगड़े ढंग से मिलने वाला। मैथ का तो ऐसा सॉल्यूशन है ना, आपको कहीं नहीं मिलेगा किसी प्लेटफॉर्म पर। अगर अदर प्लेटफॉर्म का टेस्ट सॉल्यूशन वही लेंदी मैथ के सॉल्यूशन, उससे छुटकारा मिलने वाला है आपको। देखो यहाँ पे, अब मैं आप ओपन करेगा मोबाइल या ऐप में आपको कैसा दिखने वाला है। देखो यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब मैं चलता हूँ, देखो कुछ दिखा रहा क्वेश्चन आपको, ये जैसे कि फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन है। अब देखो इसका सॉल्यूशन डिटेल ढंग से, फास्फोरस के बारे में लिखा हुआ। फिर आपको दिखा रहा हूँ कुछ क्वेश्चन से यहाँ पे, जैसे एक बहुकोशिकीय जीव है, ये आंसर इसका एग्रेसिस है। अब देखो इसके कैसे सॉल्यूशन है, फिगर के साथ आपको पूरे सॉल्यूशन इसमें दिए गए, एग्रेसिस के बारे में दिया हुआ है ना, एक कोशिकीय जीव के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन दिया हुआ। फिर आपको कुछ और क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये देखो मैथ का क्वेश्चन है, इस मैथ का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखो, बहुत ही बेहतर ढंग से आपको सॉल्यूशन मिलेगा सारा इसमें। ये देखो हैंड रिटेन सॉल्यूशन सारा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ और मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख लो सारे सॉल्यूशन को ऐड कर दिया गया। देखो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है इसका 5184 का वर्गमूल क्या होगा। देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हैंड रिटन सॉल्यूशन है, डिटेल में बताया गया कैसे करना है, किस तरह ऑप्शन से छाट सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है, जो कि बाकी अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। तो चीज़ें मेहनत लगती, धीरे धीरे और सब ऐड हो जाएगा। फिर जैसे तो वनस्पति भाग या
बजाय कुछ के माध्यम से एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख सकते हो आप। देखो कितना ढंग से ये सॉल्यूशन है भाई सब। टिश्यू कल्चर के बारे में, पादप उत्तक के बारे में डिटेल डिस्कशन आप लोग दिया हुआ, तो बाकी ये सब अगर आप नोट्स कर लोगे ना तो समझ में आ रहा कितना अच्छा नोट्स बन जाने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली। फिर चलते हैं क्वेश्चन जीएसटी के बारे में। देखो जीएसटी के बारे में इतना डिटेल ढंग से सॉल्यूशन आपको दिया गया है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा मैथ का, फिर इसका देखो सॉल्यूशन कितना। तो बहुत सारी चीज़ें भी दिखाऊंगा, बहुत कम पड़ जाएगा यहाँ पे। आप चीज़ों को देखो, मज़ा आने वाला है, ठीक है। सारा चीज़ें तो घनत्व के बारे में डिटेल डिस्कशन, तो सॉल्यूशन धीरे धीरे ये ऐड हो रहा है इसको।